देखिए, मैं यही उत्तराखंड गेट की रहने वाली हूँ। मैं आज जामा मस्जिद घूमने आई थी तो हम दोनों बैठे हुए थे, हमारे पास एक लेडी आती है, करीब उनकी उम्र 30-32 साल होंगी और कपड़े भी ठीक ठाक पहने थे उन्होंने। उन्होंने हमसे आके कहा कि इस नंबर पे हमें कॉल करनी है और मैं यहाँ नई हूँ और मुझे फतेहपुरी जाना है झूमर वाले के पास। अब मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी कि वो ये भी कह रही हैं कि मुझे फतेहपुरी जाना है और फिर उसके बाद कह रही हैं कि इस नंबर पे कॉल कर दो, क्योंकि अगर उनको जाना फतेहपुरी था तो वो बाहर से रिक्शा भी ले सकती थी, पर उन्होंने अंदर आकर लोगों से फ़ोन करा रही हैं। मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी, मैंने डाउट किया पर मैंने कहा मैं कॉल नहीं कर सकती, मेरे पास बैलेंस नहीं है। मैंने उनसे ये झूठ बोला, मैंने उनको एड्रेस बताया कि आप गेट नंबर 3 से बाहर निकले और रिक्शा लेके फतेहपुरी आपको रिक्शा वाला छोड़ देगा। तो उन्होंने मेरी बात को इग्नोर करा और दूसरी जगह जाके बैठ गई। फिर दूसरे कुछ लोग और आए, उनसे बात करने लगी, उनके कहने लगी कि मेरे को कॉल करनी है। अब मैं उठ के गई कि मैंने तो आपको एड्रेस बता दिया है कि आप घर कैसे जा सकती हैं, तो आपको किसी और से क्या मतलब। तो उन्होंने कहा आपका मसला नहीं है, मैं जानूँ और आप जा सकती हैं। मुझे फिर ध्यान आया कि शाहीन बाग में एक सीन बिल्कुल केस ऐसा ही आया था कि वहाँ पर एक लड़की ने एक लड़के को बोला, वो लोग लाइब्रेरी बनी है शाहीन बाग में, वहाँ वो लोग किताबें पढ़ रहे थे। उन्होंने धोखे से उस लड़के से कहा कि मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया और मुझे कॉल करना है मैं घर जा सकूँ, तो आप मुझे कॉल करने दें। तो जब उस लड़के ने उनको कॉल करने दिया, उसके कुछ घंटों बाद उनको उसी नंबर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके खिलाफ FIR हुई है, आप हिंसा में शाहीन बाग में आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, आप हमसे पुलिस स्टेशन में आकर मिलिए। तो मुझे वो सीन पता था शाहीन बाग का, तो मुझे ये लेडी वही लगी। अब मैं उस लेडी से बहस करने लगी कि आप यहाँ से बाहर जा सकती हैं, मैंने आपको एड्रेस बता दिया। मेरी साथ जो है सदा, उन्होंने मैंने भी उनसे कहा कि आप जो है रिक्शा तक चलो हमारे साथ, हम आपका रिक्शा करवा देंगे, पैसे हम दे देंगे, उसके क्या दिक्कत है उसमें। तो वो नहीं, वो एक ही चीज़ बोल रही थी कि नहीं हमें पैसे नहीं, कॉल करनी है वो कॉल करवा दो। अब वो सेम चीज़ दूसरे बंदे के पास भी जाके बोलते हैं कि मुझे कॉल करनी है, लेकिन अलग बात में कि ना मुझे घर जाना है, हमसे बोला झूमर वाले के पास जाना है, उनसे बोलती हैं कि मुझे अपने घर जाना है और मिस कॉल कर दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो गए नहीं वहाँ से। तो इससे साफ बात ये जाहिर होती है कि जो वो लेडी थी वो गलत तरीके से वहाँ पर घूम रही थी। हमने उनसे कहा आप ठीक हैं, आपको घर जाना है, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, यहाँ पे पुलिस बैठी रहती है मस्जिद में हमारी, आप उनसे बात करें, वो आपको घर तक छोड़ देंगी, जो भी आपकी इंक्वायरी होगी वो सब कर देंगी। तो वो हमारे साथ तो चलने के लिए रेडी हो गई, फिर हमसे थोड़ी सी बदतमीजी करने लगी, वो बेवजह उलझने लगी और वो गेट नंबर 2 से भाग गई। हम बस ये है कि उनकी ना वीडियो बना पाए ना फोटो, पर हमने चाहा कि सब से भी कह रही थी वो कि हमारे मेरी पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है, वहाँ पर जाके बोलो गेट नंबर 2 पे पुलिस से। हमें पता था उनके और साथी भी होंगे उनके साथ, लेकिन हम वहाँ नहीं गए इस वजह से। और वो साफ धमकी दे रही थी कि तुम चलो रोड पे, वहाँ रोड पे मेरी पुलिस खड़ी हुई है, वो तुम्हें अच्छे से बताएगी कि कौन सी कंप्लेन है, कैसी कंप्लेन है। तो उस बात से मुझे क्लियर हो गया कि ये जो लेडी है ये झूठ बोल रही थी और मेरा जो डाउट था वहाँ क्लियर हो गया। क्योंकि कोई भी अननोन पर्सन उसे घर जाना है, वो भटका हुआ है, वो ये नहीं कह सकता कि आप मेरे साथ रोड पर चलो, मैं आपको अपनी पुलिस से मिलाती हूँ, वहाँ कंप्लेन करना, फिर सब पता चल जाएगा तुम्हें मैं कौन हूँ। हम जल्दी जल्दी के चक्कर में उसकी कोई फोटो या वीडियो नहीं बना पाए, बट हमारे साथ ये आज इंसिडेंट हुआ है। आगे हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग भी इस चीज़ से अवेयर रहे। कोई भी इंसान हो आपसे कहे कि मुझे मिस कॉल करनी है या कुछ भी ऐसा करना है, आप प्लीज़ मत कीजिए। वो उसको करना होगा 2 रुपये लगते हैं, 2 रुपये किससे उधार ले लेगा, वो STD से कॉल कर लेगा, बट आप लोग मत दीजिए, बस इतना ही कहना था। और आप लोग अवेयर हो, अपने आसपास जागरूक बने। हम मस्जिद में पूरा आधा घंटे तक घूमते रहे कि इस चीज़ का ऐलान हो जाए कि यहाँ पे कुछ औरतें ऐसी घूम रही हैं जो नंबर लेकर और गलत गलत बातें बता रही हैं सबको, पर अंदर हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमसे कहा वेट करो, ऐलान अभी मौलवी साहब आएंगे वो करेंगे, फिर कहा गया कि इमाम साहब के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें बहुत सारे बहाने मिले और एंड में हमें ये पता चला कि अब वहाँ कुछ नहीं हो सकता। फिर हमें पता चला यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम मैम के पास आए, मैम को बताया, मैम ने कहा आप अपनी बात सबके सामने रखिए, जितने लोगों तक पहुँचेगी आगे लोग अवेयर होंगे।
आप ही लोगों के हाथ में है, आप अपने लोगों को अवेयर करें, आप लोगों को बताएं। इस चीज में कोई बुराई नहीं है। इस्लाम में सदका सिर्फ पैसों से नहीं दिया जाता, इस्लाम में सदका आप अपनी जबान से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने पसीने से भी कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर बात है कि आप जो है किस तरीके से किसकी मदद करना चाहते हैं। और ये तो जो दौर चल रहा है ये बहुत नफसी का है। आप जो है बड़ाई मेहरबानी ऐसे लोगों से बहस तो ना करें। उनको अगर ऐसा मिला आप तो उन्हें पुलिस के पास लेकर जाओ, उनकी वीडियो बनाए, आगे वायरल करें। बस हम इस चीज से थोड़ा पीछे रह गए कि हम उनका कोई फोटो वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि वो बेवजह हमसे अड़ने लगी। हम उसी से सुलझने में ये सब चीजें नहीं कर पाए। तो आप भी आगे अवेयर होए और इस चीज को आगे जितना हो सके फॉरवर्ड करें। थैंक यू।